खाली हाथ ड्रिल का एक सबक सिखाऊंगा जिसमें काम होगा सावधान, विश्राम और आराम से। सबसे पहले सावधान की जरूरत, जब ड्रिल की तमाम हरकतें सावधान पोजीशन से ही शुरू होती हैं। क्लियर है? ड्रिल की तमाम हरकतें सावधान पोजीशन से ही शुरू होती हैं और अपने सीनियर अधिकारी से बात करने के लिए सावधान की जरूरत पड़ती है। इसी काम का मैं दुरुस्त नमूना दूंगा। क्लास देखे ये था सावधान का दुरुस्त नमूना। इसी काम का मैं गिनती के साथ नमूना दूंगा। क्लास देखे एक मन सावधान गिनती से एक एक दो दो जैसे थे। ये था सावधान का गिनती के साथ नमूना। इसी काम का मैं गिनती और बैंड के साथ नमूना दूंगा। क्लास देखे जैसे ही आपको कमांड मिलता है सावधान गिनती से एक, तो बाएं पांव को जमीन से 18 इंच ऊपर उठाते हुए पांव को हवा में रोके और मुंह से शॉटिंग करें एक। इसी काम को देखे मेरी आउटपॉइंट सावधान गिनती से एक। इस पोजीशन में देखने वाली बात, शरीर का पूरा भार दाहिने पैर पर, बायां पैर जमीन से 18 इंच ऊपर उठा हुआ, बूट की टो जमीन की तरफ पॉइंट करती हुई, दोनों हाथ बगल में सटे हुए, चेस्ट अप निगाह सामने, यही से कमांड मिलता है सावधान गिनती से दो। दो के आदेश पर बाएं पांव को चटकी से घुमाते हुए दाहिने पांव की एड़ी के साथ स्टंप करें और मुंह से शॉटिंग करें दो। सावधान गिनती से दो दो। इस पोजीशन में देखने वाली बात, शरीर का पूरा भार दोनों पैरों पर, एड़ियां दोनों सटी हुई, दोनों पंजे खुले हुए, दोनों पंजों के बीच में 6 इंच का गैप, दोनों बाजू बदन के साथ बिल्कुल सटे हुए, चेस्ट अप निकाल सामने। ध्यान रहे कि कोहनियों के बीच पर गैप नहीं होना चाहिए। ये था सावधान का गिनती और बैंड का सावधान। ये था सावधान। सावधान के सभी को यस सर। समझ में आ गया? यस सर। दिखाई दिया? यस सर। अब अगली कार्रवाई अच्छी होगी, इसी काम का आप सब प्रयास किया जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा विश्राम। सावधान के बाद विश्राम की जरूरत पड़ती है। जब बातचीत खत्म हो जाए तो विश्राम की आवश्यकता पड़ती है। अभी मैं विश्राम को आपको गुरु संबोधना क्लास देखे जैसे विश्राम एक जैसे। ये था विश्राम का गुरु संबोधना। इसी काम का मैं गिनती के साथ नमूना दूंगा। क्लास देखे मेरे लिए विश्राम गिनती से एक दो दो। ये था विश्राम का गिनती के साथ नमूना। अभी मैं बताऊंगा विश्राम का गिनती और बैंड साथ नमूना। जो ही सावधान पोजीशन से कमांड मिले विश्राम गिनती से एक, तो बाएं पांव को जमीन से ऊपर 18 इंच उठाते हुए हवा में रखे और शॉटिंग करे एक। विश्राम गिनती से एक। इस पोजीशन में देखने वाली बात, सेम सावधान गिनती से एक की तरह। फिर है जिस तरीके से सावधान में गिनती से एक में रहता है, उस तरीके से विश्राम गिनती से एक में रहेंगे। यहीं से कमांड मिलता है विश्राम गिनती से दो। दो के आदेश पर बाएं पांव को बाईं तरफ चटकी से ले जाएं और जमीन में स्टंप करें घुमाते हुए, साथ ही साथ दोनों हाथ को मोड़ के पीछे की तरफ ले जाएं और मुंह से शॉटिंग करें दो। कमांड विश्राम गिनती से दो दो। इस पोजीशन में देखने वाली बात, दोनों एड़ियां खुली हुई, एड़ियों के बीच पर 12 इंच का गैप और पंजों के बीच पर 18 इंच का, दोनों घुटने सीधे, हाथ पीछे की तरफ बिल्कुल खींचा हुआ, दोनों हाथों की कोहनियों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, चेस्ट अप और निगाह सामने। ये था विश्राम का दुरुस्त नमूना। अभी पीछे के हाथ की कार्रवाई को देखें। पीछे की कार्रवाई में बाएं हथेली नीचे, दाहिने हथेली के ऊपर, बाएं अंगूठे को दाहिने अंगूठे से ग्रिप किया हुआ और इस तरीके से पूरी तरह से हाथ खींचा हुआ, चेस्ट अप और निगाह सामने। ये था विश्राम का पुरुष पिंकी और बहन के साथ नमूना।
करने कोई सर? नो सर। समझ में आ गया? यस सर। अभी आखिरी चीज बताऊंगा आराम से। क्या बताऊंगा? आराम से। आराम से।